क्या करूँ फोकस साइड में वो अभी बजट नहीं पास हुआ। हाँ अभी बजट नहीं पास हुआ। कितना चल रहा है ये कर रहा हूँ। तुम जा रहे हो? हाँ मैं गया था। मेरे को भी बता दिया कर यार मैं भी आ जाऊँगा देखा। हाँ ना यस मानी पूछो और जाओ। अब तो मन सुंदर मन है तो सुंदर वहीं आ गया कल से। So guys, congratulations to all of us. एपिसोड कैसे कंप्लीट हो गए सर को पता नहीं चला। हम पीछे मैं और साकेत सर वही बात कर रहे हैं। सर सर ने शुरुआत की डंडा लेके अभी भी खड़े हैं ना लेके वीडियो लेके कटिंग लेके फोटो हो गया। हां भेज दो वीडियो हो गया ना। भैया थोड़ा सा हेक्टिक था हो गया हो गया। उसी का मजा है। बारिश थी बारिश थी बारिश 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 यस 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 बाकी थैंक यू सो मच मजा बहुत आया और अभी दोस्तों से मिल रहा है। हाउ इज इट पेपर पेपर हो गया ना।
सकते हैं इधर दादी साहब, बहुत लंबी जर्नी है दादी साहब, ये भी नगर वाले और प्लीज ऑफ कर दिया टू की बच्चे की मीटिंग आपको मैंने बहुत डराया है सो अगेन एक महीने लेकर और एट 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 अ टाइम आल्सो आई वाज लाइक फेड अप क्या यार हमेशा प्रणाली ड्राइंग करते रहते हो राइना सो थैंक यू सो मच स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गया तो हम सिर्फ ऑडियंस को शॉक नहीं करते हम हमारे एक्टर्स को भी शॉक करते हैं हमारे राइटर्स एक्टर्स को भी ऐसे एवरीडे शॉक देते रहते हैं दैट वाज अ ट्रॉमा फॉर द कैमरा बिकॉज़ ये पहले चाहते या या जो भी प्रीति को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे उनको तो बिल्कुल दिल ही नहीं हो रहा था कि प्रीति डायन ने मच्छर जो अब आए मच्छर मच्छर जी इंस्पेक्टर हम भी कैसा लगा आपको अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बस ये मुंह से थोड़ा सा दिक्कत देती है हंसने में इसकी वजह से खुल के हंस नहीं पाता तो हंसी बस इतनी निकलती है और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे चैनल का हमारे प्रोडक्शन का और प्रोड्यूसर बाकी साकेत सर कमाल है और अपने सर डीओपी सर बाकी क्रू हमारा बहुत बढ़िया है सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं हाँ और दुर्गेश सर किधर है अभी तो थे दुर्गेश सर कमाल है और बहुत मजा आ रहा है कैसे ये इतने दिन निकलने को समझ ही नहीं आया 100 एपिसोड हिप हिप थैंक यू वो जितना बोलूँ वो कम है सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मतलब ये कहने के लिए बहुत सपोर्ट है बारिश में बट आई नो मैं जब भी एपिसोड देखती हूँ मैं सिर्फ एक जो भी घर के बाहर आराम से बैठ के काम करती हूँ देखती हूँ बारिश हो रही है तो मैं सोचती हूँ कि ये बेचारे इस बारिश में काम कर रहे हैं आई रियली फील बैड फॉर देम बट आई ऑल्सो बी हैप्पी सो आई रियली 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 आई great job I mean I we all have done so many shows and we work with so many teams but this show has something so different about it and we managed to make our place in this clutter in this you know sea of just shows and shows I've been part of the sea of shows but it's so amazing to see a show which is like got quality okay it's got quality it stands out you can see the each and every frame jab hum likh rahe hote story aur jab hum padhte hain matlab ki log kaise karenge aur wo sachcha hi kar dete hain the director and the dop and the crew they just manage to do a better job matlab main soch raha tha to kya abhi maine dekha ye kamla ji ke gale mein se jhaag nikal gaya maine kaha main soch hi rahi thi photo ke liye rahi but so really 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 the cast but mostly I'm grateful to the team that we have and the production team our direction team our DOP and of course the post team they are the bosses they decide what goes on air so they are every job everybody is like really really thank you from the bottom of our heart please keep watching the show and keep enjoying it and hope we never disappoint thank you I think Shahrukh has already spoken for the two of us. लेकिन ये हमारा पहला बच्चा है फुल फोकस एंटरटेनमेंट का पहली सेंचुरी है हमारी तो जो लोग इस शो से जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत 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 धन्यवाद
एंड वी होप दैट वी मेक मेनी मेनी मोर सच माइलस्टोन्स. आप लोग आएंगे और आप लोग स्पीडिंग के टाइम पे भी आए थे. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू अस एंड टेल अस कि शो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है. बहुत टाइम के बाद लोग टीवी देख रहे हैं एंड दैट्स रियली वेरी नाइस. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस न्यू मेम्बर joining our Dasun Biz team. You've done a very good job. And yes, we're proud of you. And everyone, I think naam bolne ki zarurat nahi hai. Everyone is associated with the show. And we have an excellent channel, guys. We have been in channels before. But to have the channel people like Ira, like Hedar, like Prerna, we've also worked with them on Savdhan before. And thank you so much for the opportunity. And we hope you're doing a good job and you guys will keep on blessing the show as you have been. Always. Yes, many more things. Thank you so much. साकेत सर, मैं चाह रहा हूँ कि आप मखलू सर के साथ मिलकर कुछ बोले. मखलू सर हमारे यूपी हैं. फर्स्ट एपिसोड से लेकर 100 एपिसोड तक मुझे जो सरप्राइज करता रहा है वो है क्वालिटी. तो इन्होंने सर ने मिलकर अभी तक वो मेंटेन करके रखी हुई है. सर तो सही में मेरा गला खराब है और नॉर्मली रहता है ये शो जब मैं शूट कर रहा होता हूँ. मुझे बाद में पता चला लोहान से है और लोहान से मुझे ज्यादा प्यार है. कई बार कोशिश की है निकालने की बट फैन है. सो मैंने खुद ही लोहान वापस लाया. सो शायद बट हाँ, मतलब मैं थोड़ा झेल लेता हूँ. बट बिकॉज ऑफ लुक मुझे बहुत पसंद है लोहान. शो को सच में हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया. और जब मुझे यह शो ऑफर हुआ था तो मुझे डेली शो किए हुए करीब 8-9 साल हो गए थे, मैंने किया नहीं है. लेकिन जब ये शो आया तो मुझे कॉन्सेप्ट इतना प्यारा लगा, मैंने कहा मैं ये करूँगा. चारों मैम ने मुझे ऑफर किया था जब हमारी बात हुई थी मीटिंग में थी. सो मुझे बहुत एक्साइटेड किया ये शो. और जब हम आए फ्लोर पे और जब हमने बनाना शुरू किया तो और ज़्यादा. फिर एक टाइम था जो मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा छुट्टी लेनी है, बहुत दिन हो गया ब्रेक हुए. तो मैं खुद ही ऐसा था कि यार अब वापस चलते हैं, मतलब हो गया छुट्टी थोड़ी. तो मुझे फील आई बिकॉज मैं इतना मिस कर रहा था शो को. और सच में मतलब मैंने पहली बार ऐसा कोई शो शूट किया है जिसको शूटिंग करते समय भी मज़ा आता है, जब उसका रिजल्ट हम टेलीकास्ट में देखते हैं उसका और मज़ा आता है. सो मज़ा आया यार ये शो को बनाते हुए. हम पता नहीं कब तक बनाएंगे बट मैं चाहूँगा कि हम करते रहें. एंड बबलू जी जो हमारे ड्यूटी सर हैं, इन्होंने मैं इनके लिए सबसे अच्छी बात ये कहूँगा, मैं जो विज़न करता हूँ या इनसे जो मैं शेयर करता हूँ कि ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ या ऐसी लाइट कर सकते हैं या क्या हो सकता है, ये बंदा उसमें एक पॉइंट ऐड करके सामने लाता है. सो दैट इज ग्रेट. लाइक एक डायरेक्टर को इससे अच्छा डीओपी क्या चाहिए कि आपके विजन को प्लस करके दे, समझे उस चीज़ को. नहीं तो हम कई बार होते हैं कि हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं लुक फील में. और ये सो मैम ने जैसा कहा ना कि पूरी टीम इंटायर ऑफ मुझे रईस भाई बहुत पसंद है. पोस्ट की टीम पूरी जितनी मेहनत करती है. अभी तो हम थोड़े से कट टू कट पे भी आ गए थे, थोड़ा मेहनत ज़्यादा था. डे नाइट शूट भी कर रहे थे खास करके नाइट. सो बट बहुत मज़ा आया. पूरी टीम एक्चुअली कह सकते हैं ये जैसा कि उन्होंने कहा कि ये विश जैसा है कि ऐसी टीम एक साथ आई और ये सब मिल के प्रोग्राम बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे. थैंक यू सो मच. सबको बहुत बहुत धन्यवाद. सारे क्रू जितने अपने दोस्त हैं, लाइटमैन, सेटिंग गाइस, स्पॉट दादा, सारे टीम जो हमें हमारी बहुत मेहनत करती है और सबको धन्यवाद. हम 100 पे पहुंचे हैं बहुत जल्दी. 200, 300, 400 ऐसे करते रहेंगे सेलिब्रेशन और ऐसे ही हम सब करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गया अब आप लोग अच्छे से केक खाइए, नाश्ता कीजिए. और उससे पहले आई एम सो सॉरी, पवन वुड लाइक टू से समथिंग. कुछ स्पेशल उसने लिखा है. एंड ही वांट्स टू से समथिंग. नहीं, ये चीज भी उसी के बारे में है. हाँ, सिर्फ 5 मिनट लूंगा और प्लीज साथ दीजिएगा सभी. हाँ, थैंक यू. चमकिया ओ चमकिया, चमकिया ओ चमकिया, बता दो जरा कि तुझे आखिर फेमस किसने किया. चमकिया ओ चमकिया, तू बता जरा कि आखिर तुझे फेमस किसने किया. सर अपने सारे करेक्टर पास में रहना प्लीज. इंस्पेक्टर भी प्लीज. स्टार्टिंग काफी सी है. जहां अभिमन्यु ना माने डायन का सच, जहां हमारा अभिमन्यु ना माने डायन का सच, वहीं मच्छर जी बोलते हैं अरे सर जी डायन से बच.
अभिमन्यु का कहना ना कोई भूत है ना कोई पिशाच, अभिमन्यु का कहना ना कोई भूत है ना ही कोई पिशाच, कुछ और ही है इस गांव का राज। अरे सर आप क्यों नहीं आते हो पंगे लेने से बाज, आप खुद तो हो कुआरे, अब तो सर मैरिड हो गए, आप खुद तो हो कुआरे पर हम तो हैं सर जी बीवी बच्चों वाले। सर सर पकड़कर बोले, अरे मच्छर जी आपको पुलिस में भर्ती किसने कर दिया, चमकिया ओ चमकिया बता जरा तुझे फेमस किसने किया, जिस गांव में हो डैडी जी का घर, ये सामने ही है, जिस गांव में हो डैडी जी का घर, अपनी बेटी को बोले कि तू अपनी पढ़ाई पूरी कर और बीवी को बोले कि तू जाके छत के किनारे पर चल, ये सामने शूट किया था हमने, अपनी बीवी को बोले कि तू जाके छत के किनारे पर चल, यही है तेरी सजा क्योंकि इसी में आता है मुझे मजा। Now I am busy because I have some meeting greeting with हमारे शास्त्री जी। शास्त्री जी और डैडी के काले कामों ने अभिमन्यु के सर में दर्द भर दिया, बाद में उन्हीं की बीवी और बेटी ने